Hello friends, welcome to my channel Study Menu. Friends, some class 12 NCERT mathematics books ko sab book ko solve kar rahe hain aur ye hai third chapter matrix jiska humne 3.1 ko solve karna start kiya tha aur question number 5 tak humne complete kar liya tha. Agar aapne first part nahi dekha hai to aap dekh sakte hain, main link description mein dal dunga. Aur to aaj hum solve karne wale hain question number 6 se, theek hai. तो आपको बेसिक्स तो हमने बता ही दिया था, उसके साथ साथ ये सब आपने कर लिया था तो अब आसानी होगी ये सब सॉल्व करने में, ठीक है. तो मैं रिकमेंड करूँगा आप पिछले वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिए इसे देखने से पहले. चलिए क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं. तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, फाइंड एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक है. तो यहाँ पर इक्वेशंस दिया हुआ है, मतलब मैट्रिक्स दिया हुआ है, कंडीशंस दिया हुआ है. कंडीशंस मतलब क्या, इन दो मैट्रिक्स को इक्वल दिखा रहा है, इन दोनों को इक्वल बताया और इसको भी इक्वल बताया. तो यहाँ में से वैल्यू निकलना है, यहाँ पे एक्स वाई जेड का वैल्यू, ठीक है. तो कैसे, आपको पता ही है मैट्रिक्स अगर इक्वल होते हैं तो कैसे लिखते हैं, चलिए हम आपको दिखाते हैं. तो ये है एक्सरसाइज 3.1 और ये है क्वेश्चन नंबर 6. तो क्वेश्चन नंबर 6 में नंबर 1 है आप किताब में से, हाँ देखते हैं किताब में से ये क्या है, 4 3x5 और इक्वल टू वाई जेड 1 और 5, ठीक है. तो ये है, तो अब क्या है, अब यहाँ में से कैसे निकलेंगे, देखिए क्योंकि ये मैट्रिक्स इक्वल है, ठीक है, क्योंकि ये इक्वल है तो सेम सेम एलिमेंट्स बराबर होंगे, मतलब सेम पोजीशंस के एलिमेंट दोनों मैट्रिक्स के बराबर होंगे. जैसे कि देख लिए, फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ इस एलिमेंट को, ये क्या है, ये देखिए, ये दूसरा रो का पहला कॉलम है, मतलब रो इसे कहते हैं. हम आप पहले पढ़ चुके हैं, अगर आपने पिछले वीडियो देख लिए तो आपको पता होगा, हम बताए थे ये होता है रो और ये होता है हॉरिजॉन्टल वाला होता है कॉलम और ये वर्टिकल होता है रो, ठीक है. तो ये है पहला रो और ये है दूसरा रो, तो ये है दूसरे रो का एलिमेंट और ये पहला कॉलम दूसरा कॉलम, तो ये हो गया पहला कॉलम, तो ये पहला कॉलम का एलिमेंट. तो ये और ये भी देखिए दूसरा रो पहला कॉलम ही है, तो ये तो सेम होगा. उसी तरह ये और ये सेम होगा, ये और ये सेम होगा और ये और ये सेम होगा, ठीक है. तो जल्दी से लिख दीजिए, देयरफॉर हेयर एक्स सॉल्यूशन दे दीजिए, एक्स इज इक्वल टू 1 एंड नहीं कॉमा दीजिए, एक्स इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू होगा 4, y is equal to 4 and z is equal to 3, ठीक है. ये हो जाएगा आंसर, मतलब आंसर पहले यहाँ पे लिख दीजिए, सिंस बोथ द मैट्रिक्स आर इक्वल, ठीक है. तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1. तो फ्रेंड्स अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं. देखिए ये भी सेम है, ये और ये सेम होगा, ये और ये सेम होगा, ये और ये और ये और ये सेम होगा. तो हम यहाँ पे देखिए, ये कोई इक्वेशन यहाँ पे डायरेक्ट एक्स इंटू वाई दिया हुआ है, तो इसको अलग टाइप में सॉल्व करेंगे, लेकिन बिल्कुल ईजी है, आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है. दिखाते हैं आपको कैसे. क्वेश्चन नंबर 2 लिख दिए, आप किताब में से नोट कीजिए, मैं यहाँ पर जगह का थोड़ा सा कमी है इसलिए यहाँ पर आपको किताब नहीं दिखा पा रहा हूँ. तो लिख लीजिए आप, एक्स प्लस वाई टू, उसके बाद 5 प्लस जेड और एक्स वाई, ये दीजिए ब्रैकेट, इक्वल टू दे दिया, और ये होगा 6258, ठीक है. तो यहाँ पे दे दिए हम ब्रैकेट. तो आप जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये और ये इक्वल होगा, ये और ये इक्वल, ठीक है. तो सोल्यूशन दे दिए हम, जैसे कि यहाँ पे हुआ था, ठीक है, इन दोनों का इक्वल होता ना, ये दो भी इक्वल थे, तो यहाँ पे भी सेम होगा इक्वल टू. तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6, इजी दे दीजिए आप इक्वेशन नंबर 1, ठीक है. उसके बाद 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, सही है ना, 5 प्लस जेड, हाँ 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, ये दे दिए हम इक्वेशन नंबर 2, ठीक है. और अब जो कि यहाँ पे, हाँ अभी ये एक्स वाई इज इक्वल टू 8, एक्स वाई इज इक्वल टू 8, ये हो गया क्वेश्चन नंबर, ये इक्वेशन नंबर 3, ठीक है. नाउ एक्स
from now from लीजिए पहले इसको लेते हैं now from x plus y is equal to 6 implies दीजिए यहाँ में से हम x का value एक काम करते हैं चलिए किसी इन दोनों में इसके साथ डील करेंगे इसके साथ इसका इक्वेशन मल्टीप्लाई करेंगे तो x का वैल्यू भी निकल सकता है और y का वैल्यू भी निकल सकता है ठीक है तो चलिए हम यहाँ पे x का वैल्यू निकालते हैं इसमें से x इज इक्वल टू 6 प्लस y था माइनस y हो जाएगा ठीक है फ्रॉम इक्वेशन 1 ठीक है साफ तौर पे आप देखिए हम आप पहले इसको लिख के बाद में ये लिख सकते हैं हम मतलब क्या कर रहे हैं प्रैक्टिकली अगर हम आपको समझाएं यहाँ में से हम x का वैल्यू निकालेंगे और उसको यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ में से एक चीज़ कॉमन आएगा तो y का वैल्यू निकल आएगा फिर y का वैल्यू यहाँ पे पुट करके x का वैल्यू निकाल सकते हैं फिर आसान हो जाएगा और z का वैल्यू तो आप यहाँ पे आप कभी भी लिख सकते हैं ठीक है पर हम बाद में लिखेंगे पहले इसका वैल्यू निकाल लेते चलिए तो ये आ गया नाउ ये दिख रहा है आपको नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 Now from equation 3, xy is equal to 8. Equation 3 में से xy is equal to 8 था ना? हाँ ये था. और यहाँ पे x का वैल्यू बिठाएंगे x is equal to 6 minus y. Implies x is equal to क्या था? 6 minus y. ठीक है? Into y is equal to 8. ठीक है? From equation 3. ठीक है? सॉरी सॉरी फ्रॉम इक्वेशन 1 हाँ ये 1 था जैसे कि आप देख सकते हैं 1 था चलिए अब इसको कैलकुलेट करते हैं इम्प्लाई दे दिए 6 6y हो जाएगा 6y माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 8 ठीक है चलिए अब हम इसको अरेंज करते हैं 6y सॉरी 6y नहीं होगा हमको इसे सॉल्व करना है मिडिल टर्म के जरिए आपको पता होगा क्योंकि देखिए यहाँ पे कोई और ऑप्शन नहीं है मिडिल टर्म के अलावा तो हम उसको उस तरह अरेंज करके हम सॉल्व कर सकते हैं ठीक है तो लिख दीजिए पहले माइनस वाई स्क्वायर इस साइड में आ जाएगा प्लस सिक्स वाई ये माइनस ये प्लस एट था उधर आ जाएगा माइनस एट इज इक्वल टू ज़ीरो ठीक है तो अभी माइनस से इंटू होगा ये तो वाई स्क्वायर माइनस सिक्स वाई प्लस एट इज इक्वल टू ज़ीरो ये हो गया आपका पूरा इक्वेशन अब इसमें से मिडिल टर्म करके हम वाई का वैल्यू निकालेंगे therefore तो आपको पता होगा कैसे मिडिल टर्म निकलता है तो 4 प्लस 2 हो जाएगा देखिए कैसे होगा हम आपको बता दें ज़्यादा हम एक्सप्लेन नहीं करके क्योंकि मिडिल टर्म आप क्लास 10 में कर चुके हैं ठीक है तो वाई स्क्वायर माइनस 4 प्लस 2 इंटू वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0 कैसे हुआ हम आपको पता ही है फिर आपको बता देखिए इन दोनों का एडिशन होना चाहिए यहाँ का नंबर तो है ना 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6 और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए इसका तो 4 इंटू 2 क्या होता है 8 होता है ठीक है हम और नहीं बताएंगे क्योंकि आप जानते हैं आपको पता है कैसे करना है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 2y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 अब यहाँ में से क्या करना है कॉमन लेना है पता है आपको y ले लेंगे कॉमन उसके बाद y आएगा माइनस 4 आ जाएगा ठीक है प्लस यहाँ पे भी सेम ही आएगा क्योंकि यहाँ पे सेम था तो सेम आता है इज इक्वल टू ज़ीरो दे दिए अब देखिए 2 हो गया करेक्ट है हमारा ऑटोमेटिकली करेक्ट ही है देयरफॉर वाई प्लस 2 वाई माइनस 4 ठीक है देयरफॉर वाई इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस 2 और वाई इज इक्वल टू 4 तो वाई का दो वैल्यू निकल आया तो अभी यहाँ में कोई भी हम ये ऐसे नहीं करेंगे कि ये नेगेटिव है तो इसे छोड़ देंगे जैसा कि आप क्लास 10 में पाए थे जी नहीं यहाँ पे अलग होगा क्योंकि यहाँ पे हमारा कोई ये नहीं बोला है कि जगह का मतलब पैसे का इंटरेस्ट निकालिए या फिर कितना मीटर का डिस्टेंस है वो निकालिए क्योंकि ये डायरेक्ट इक्वेशन है तो हम ऐसे लिखेंगे ठीक है तो ये दोनों पॉसिबल रिजल्ट्स तो अब क्या करना है एक्स का वैल्यू निकालना है ठीक है तो एक्स का भी दो ही वैल्यू निकलेगा ठीक है तो चलिए करते हैं इसे फ्रॉम इक्वेशन वन क्या था एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6 एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6 देयरफॉर
वाई का एक वैल्यू क्या है माइनस टू, एक्स प्लस माइनस टू इज इक्वल टू सिक्स, एक्स माइनस टू इज इक्वल टू सिक्स इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू सिक्स प्लस टू इज इक्वल टू एट, ठीक है। अगेन अगेन क्योंकि दो बार निकालना पड़ेगा ना, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सिक्स इम्प्लाइज एक्स प्लस, इस बार वाई का वैल्यू क्या है, इस बार है फोर, ठीक है। तो फोर इज इक्वल टू सिक्स इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू सिक्स प्लस फोर था उधर आ जाएगा माइनस फोर, तो ये हो जाएगा टू, तो ये हो गया। नाउ अभी क्या बचा है, एक्स का वैल्यू भी दो वैल्यू निकल आया है, वाई का भी दो वैल्यू निकल आया, अभी क्या बचा है जेड, जो कि आसान है, ये देखिए फाइव प्लस जेड इज इक्वल टू फाइव। नाउ फाइव प्लस जेड इज इक्वल टू फाइव फॉर्म लिख दीजिए आप, ये चाहे तो आप बिल्कुल स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं या फिर लास्ट में भी कर सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन टू, टू है ना, जी हाँ बिल्कुल टू ही है, फ्रॉम इक्वेशन टू, ठीक है। तो ये कर दिए तो इम्प्लाइज जेड इज इक्वल टू फाइव, ये था प्लस फाइव उधर जाएगा माइनस फाइव, ये हो जाएगा जीरो। देयर फोर एक्स इज इक्वल टू एट कॉमा टू, एट दो वैल्यू है तो लिख दीजिए दो बार आप, टू वाई इज इक्वल टू क्या है माइनस टू और फोर, माइनस टू वाई इज इक्वल टू फोर और जेड इज इक्वल टू क्या है जीरो, तो ये हो गया आपका आंसर। तो फ्रेंड्स अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर थ्री को सॉल्व, ये भी बिल्कुल आसान है, बस आप ध्यान दीजिए तो इस टाइप का क्वेश्चन आप एग्जाम में भी बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर पाएंगे अगर एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन ना आए तो भी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थ्री पहले देखिए हम नोट कर लेते हैं इसे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड, ये दिए मैट्रिक्स इज इक्वल टू नाइन फाइव सेवन, ठीक है। तो एक चीज़ आप देखिए, अगर यहाँ पे देखिए ये है क्या, ये है एक्स वाई जेड, ठीक है, और ये है एक्स जेड और वाई जेड। देखिए इसमें से अगर हम इसे माइनस करें तो क्या बचेगा, ये एक्स और एक्स माइनस हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, जेड और जेड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ वाई बचेगा, वाई का वैल्यू निकल आएगा इन दोनों में से, ठीक है। अगर इससे हम माइनस करें इसको तो क्या होगा, एक्स तो रह ही जाएगा, एक्स तो यहाँ पे नहीं है, वाई वाई माइनस ख़त्म हो जाएगा, जेड जेड ख़त्म हो जाएगा, तो इस दफ़ा एक्स का वैल्यू निकलेगा, ठीक है। तो वहाँ में से एक्स का वैल्यू यहाँ पे पुट करके हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, जेड का वैल्यू, ठीक है। तो बिल्कुल आसान है, तो मैं ये चीज़ आपको अलग तरीके से एकदम नया तरीके से एकदम मतलब पहली बार जैसा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब कुछ बातें हैं जो आपको क्वेश्चन देख के खुद समझनी होगी, ठीक है। देखिए आप क्लास टेंथ में क्या पाए थे, काफ़ी हद तक आपको किताब में एग्जैक्टली जैसा था वैसा ही दिया था, लेकिन ट्वेल्थ में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसके लिए आपको घबराने की भी ज़रूरत नहीं है, वो भी जो आपका जो स्टेट बोर्ड है या अभी जो भी आप एग्ज़ाम देने वाले हैं वो भी समझते हैं कि आप अभी अभी आए हैं, आपको किस किस प्रो में आप मतलब सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन, उनको आइडिया है, तो आपको इतना भी हार्ड नहीं देंगे क्योंकि आपको बिल्कुल ही ना आए, तो आपको उस रडार में देंगे, तो आप टेंशन बिल्कुल मत करिए, बस बेसिक्स पे फोकस कीजिए, नॉर्मल चीज़ों पे, ठीक है। टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं भी एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, ठीक है, आप मेरा विश्वास कर सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, बिल्कुल ईजी है, अगर क्वेश्चन ऐसा आएगा एग्जाम में तो आप बिल्कुल समझ आएगा कैसे करना है, ठीक है, शांत से। तो सोल्यूशन दे दीजिए, पहले यहाँ पे लिख दीजिए, ये लिख दीजिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू नाइन, इक्वल टू होगा ना क्योंकि यहाँ पे इक्वल है, दो मैट्रिक्स इक्वल है, पता है ना आपको, तो इसे लेते हैं हम इक्वेशन वन, ठीक है। और फिर एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू फाइव, एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू फाइव, ये ले दिए हम इक्वेशन टू, ठीक है। और वाई प्लस जेड इज इक्वल टू सेवन, वाई प्लस जेड इज इक्वल टू सेवन, ये दे दिए हम इक्वेशन थ्री, ठीक है। तो आपको बता ही चुके हैं हम, ये माइनस ये करेंगे, ठीक है। तो नाउ इक्वेशन वन माइनस टू, पहले टू कर लेते हैं, ठीक है, सीरियली करते हैं तो देखने में भी अच्छा रहेगा, ठीक है। देयर फोर एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू नाइन माइनस फाइव, पता है ना आपको कैसे करना है, दिस माइनस दिस, उसके बाद आर एच एस की बारी, एल एच एस तो ये होगा ना, ये माइनस ये, उसके बाद नाइन माइनस फाइव, ठीक है, पता है आपको, आप बहुत कर चुके हैं नाइन टेन में।
ठीक है, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स। उसके बाद एग्जाम में भी आप क्या बहुत ही ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि आपको पता है होता है फिर भी जल्दी जल्दी में ये मिस्टेक हो जाता है काफ़ी बार। ठीक है, माइनस जब भी होगा इसको ये प्लस नहीं होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम में काफ़ी बच्चे ऐसे ही गलती कर देते हैं, तो आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ठीक है, माइन प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू 9 - 5 4। ठीक है, एम्प्लाई दे दीजिए, ये देखिए प्लस जेड माइनस जेड कैंसिल, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, वाई इज इक्वल टू 4 बच गया, वाई इज इक्वल टू बचा 4। ठीक है, वाई का वैल्यू निकल आ गया। तो अब क्या करना है, अब इसमें इससे इसको माइनस करना है। ठीक है, नाउ इक्वेशन 1 - 3। ठीक है, तो इस बार क्या होगा जी, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये जेड है, माइनस वाई मैन वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 - 7, 9 - 7। ठीक है, तो अभी क्या करना है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस वाई, फिर से हम बता रहे हैं प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, जेड इज इक्वल टू 7 - 8 - 9 - 2। ठीक है, ये देखिए माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, माइनस जेड प्लस जेड कैंसिल, इम्प्लाइज क्या बचा, एक्स इज इक्वल टू 2 बचा, तो एक्स का वैल्यू भी निकल आ गया 2। ठीक है, तो अभी बचा है जेड का वैल्यू, तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2, देखिए कितना आसानी से हो रहा है अगर आप समझ लें तो। ठीक है, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 5, एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 5 इम्प्लाइज एक्स का वैल्यू क्या निकला था 2, तो 2 प्लस जेड इज इक्वल टू 5 इम्प्लाइज जेड इज इक्वल टू 5 प्लस 2 था जाएगा माइनस 2 3। आपको तो पता ही है और आंसर हो गया ये, अगर आप चाहें तो एक्स वाई जेड को यहाँ पे अलग से लिख सकते हैं या भी यहाँ भी आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 को भी अभी उसी तरह बिल्कुल इजीली सॉल्व कर लेते हैं, ये भी बिल्कुल इजी है, टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को यहाँ पे पहले लिख लेते हैं। देखिए ये भी क्या है, ये भी उसी तरह है, ये देखिए इक्वल टू की तरह ही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी। ठीक है, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर, ये इसके और ये इसके बराबर। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं, बिल्कुल ईजी चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 7 लिख लिए, आप किताब में से देख लीजिएगा, ए माइनस बी है, ट्वाइज ए माइनस सी है, उसके बाद ट्वाइज ए माइनस बी, ट्वाइज ए माइनस बी, थ्री सी प्लस डी, थ्री सी प्लस डी, ये हो गया हमारा ये मैट्रिक्स, और ये बराबर है माइनस 1 - 5 और 0 - 13, 0 - 13, तो ये हो गया हमारा मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखिए आपको पता है ये बराबर, ये बराबर, ये बराबर और ये बराबर। ठीक है, तो पहले इन सबको लिख लेते हैं, उसके बाद वैसे ही हमारा निकल आएगा। ठीक है, अगर आपको भी अगर एग्ज़ाम में फॉर एग्जांपल अगर दे दिया जाए इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन, और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मान लीजिए, इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, तो आप टेंशन के बजाय पहले लिखिएगा कौन किसका बराबर है, फिर आपको वैसे ही आइडिया आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ चीज़ें आपको बिल्कुल ठंडे दिमाग से करनी होती है। तो पहले लिखिए ए माइनस बी इज इक्वल टू, ये होगा माइनस 1। ठीक है, और ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, आपको एग्जाम में पता है मान लीजिए कि ये इसके बराबर होता है, लेकिन गलती से कभी ऐसा हो जाता है कि ये इसके बराबर के बदले में इसके बराबर लिख दीजिए, लिखे अगर आप तो वो मत कीजिएगा। ठीक है, ऐसे लिखिएगा ये इसके बराबर, पहले ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 1, उसके बाद ट्वाइज ए माइनस सी इज इक्वल टू 5, ट्वाइज ए माइनस सी इज इक्वल टू 5, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद ट्वाइज ए माइनस बी इज इक्वल टू 0, ट्वाइज ए माइनस बी इज इक्वल टू 0, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। और थ्राइस सी प्लस डी इज इक्वल टू 13, थ्राइस सी प्लस डी इज इक्वल टू 13, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस ये माइनस ये अगर हम करते हैं तो क्या होता है, ए का वैल्यू आएगा। तो चलिए कर लेते हैं, आपको मतलब ऐसा रूल नहीं है कि आपको इससे ही इससे माइनस करना है, पहले आपको देख के आइडिया लगाना है कि किससे अगर किससे माइनस करें तो आंसर निकलेगा। देखिए यहाँ पे अगर हम इससे इससे करते हैं तो देखिए सेम नहीं है, ए और सी है, ए और बी है, इससे इससे करते हैं तो सेम है, ए और बी है। ठीक है, अगर
इससे इससे करते तो नहीं होगा, ठीक है? तो ये आइडिया लगाना पड़ेगा आपको देख के। तो चलिए करते हैं। नाउ 1 माइनस 3 तो क्या होगा, ए माइनस बी, ठीक है, माइनस ट्वाइज ए माइनस सी, सॉरी ट्वाइज ए माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 0 इम्प्लाइज ए माइनस बी माइनस ट्वाइज ए माइनस माइनस प्लस बी इज इक्वल टू माइनस 1 ही रह जाएगा, ठीक है? तो प्लस बी माइनस बी कैंसिल, इम्प्लाइज ट्वाइज ए से ए अगर चला जाए तो क्या बचेगा, सिर्फ ए माइनस ए, माइनस ए इज इक्वल टू माइनस 1, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इम्प्लाइज यहाँ पे हमको स्पेस लिख देते हैं, इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू 1, ठीक है? नाउ देखिए ए का वैल्यू निकल आ गया, तो हम आसानी से अभी बी का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ए माइनस बी पहले लिख लेते हैं। नाउ फ्रॉम क्वेश्चन इक्वेशन 1, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, लिख लेते हैं इस इक्वेशन को। ए माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 1, ए माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 1, तो देयर फोर ए का वैल्यू है 1, 1 माइनस बी इज इक्वल टू पुट कीजिए यहाँ पे वैल्यू, ठीक है, पता ही है आपको, बिल्कुल ईजी चीज़ है, इम्प्लाइज माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 1 यहाँ पे रहेगा, ठीक है, यहाँ का प्लस 1 उधर जाएगा माइनस 1, ठीक है, इम्प्लाइज माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 1, माइनस 1 क्या हो जाता है, माइनस 2, तो माइनस माइनस कैंसिल, इम्प्लाइज बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है? तो ए और बी का वैल्यू आपके पास चला आया। अब यहाँ पे देखिए ए और बी का वैल्यू हमारे पास चला आया है, अभी क्या निकालना है हमें, सी और डी का वैल्यू। तो ध्यान से आप देखिए कि किससे किसके साथ कैलकुलेट करके हम निकाल सकते हैं इन दोनों का वैल्यू, कॉमन क्या आता है, ठीक है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर यहाँ पे हम ए का वैल्यू पुट करें तो सी का वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए इसे करते हैं ट्राई। फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है, इक्वेशन 2 क्या लिखे, ट्वाइज ए माइनस सी इज इक्वल टू 5, ट्वाइज ए माइनस सी इज इक्वल टू 5। यहाँ पे देखिए अगर हम ए का वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो सी का वैल्यू निकल आएगा, तो ठीक है, तो 2 इंटू ए का वैल्यू क्या है, 1 है, 2 इंटू 1 माइनस सी इज इक्वल टू 5, इम्प्लाइज दे दीजिए 2 1 जा 2 माइनस सी इज इक्वल टू 5, ठीक है, इम्प्लाइज दे दीजिए, उसके बाद माइनस सी यहाँ पे रहने दीजिए, इसके इज इक्वल टू 5 वहाँ पे लिखिए, यहाँ पे प्लस 2 था उधर जाएगा माइनस 2, ठीक है, अब इम्प्लाइज दीजिए माइनस सी इज इक्वल टू 5, माइनस 2 क्या होता है, 3 होता है, 3, तो इम्प्लाइज सी अगर प्लस हो जाएगा तो 3 उधर जाएगा, माइनस होगा माइनस 3, ठीक है, तो सी का वैल्यू भी निकल आया। अब देखिए सी का वैल्यू जब निकल आया तो अभी क्या बचा है, डी का वैल्यू निकालना, तो डी का वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास सी का वैल्यू है, तो अगर हम यहाँ पे बिठा दें तो डी का वैल्यू तो ऑटोमेटिकली निकल आएगा, 13 तो यहाँ पे ऑलरेडी है। तो चलिए इक्वेशन नंबर 2 को लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 4, ठीक है, थ्राइस सी प्लस डी इज इक्वल टू 13, थ्राइस सी प्लस डी इज इक्वल टू 13, तो इम्प्लाइज दे दीजिए सी का वैल्यू क्या है, माइनस 3, 3 इंटू माइनस 3 प्लस डी इज इक्वल टू 13। चलिए उस पेज पे करते हैं, 3 3 जा 9 माइनस 9 हो जाएगा, इम्प्लाइज माइनस 9 प्लस डी इज इक्वल टू 13 प्लस डी इज इक्वल टू 13, ठीक है, इम्प्लाइज दे दिए डी इधर रहिएगा, 13 यहाँ पे जाएगा, माइनस 9 तक हो जाएगा प्लस 9, तो इम्प्लाइज डी का, डी और 9 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है, तो डी का वैल्यू हो गया 20। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है सॉल्व, और अब जो ये बाकी है 8 और 9 और 10, ठीक है, तो देखिए ये यहाँ पे है, ये मतलब आपको चूज़ करना है सही ऑप्शन कौन सा है। तो यहाँ पे हमारा पेपर वर्क ज़्यादा नहीं है, हम आपको डायरेक्टली दिखा रहे हैं यहाँ पे क्या है, देखिए आप एग्ज़ाम में कैसे करेंगे और यहाँ पे क्या आंसर है, हम आपको डिटेल्स में समझाते हैं। चलिए आइए देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन में ए इज इक्वल टू ये ए आई जे और यहाँ पे एम इन टू एन इज स्क्वायर मैट्रिक्स एफ दिस दिस दिस, यहाँ पे कौन सा सही है, ठीक है, तो आपको पता होगा ये क्या होता है, आई जे क्या होता है, आई का मतलब होता है एक मैट्रिक्स का कितना रो है, जे का मतलब होता है कि एक मैट्रिक्स में कितने कॉलम है, मतलब रो इन टू कॉलम, आई जे मतलब ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। एम और एन क्या होता है आपको पता है, सेम चीज़, एम भी होता है रो और एन होता है कॉलम, और एम इंटू एन होता है मैट्रिक्स का ऑर्डर।
तो ये आई जे और एम एन सेम बात है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है। इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स एफ, यहाँ पे कौन सा कंडीशन है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है, चलिए आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ए मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स, थस एम इंटू एन मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए मतलब क्या बोल रहा है यहाँ पे, एम इंटू एन, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जिसका रो और कॉलम सेम होगा उसी को हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। तो एम इंटू एम, एम इज इक्वल टू एन, मतलब एम मतलब रो और एन मतलब कॉलम, तो रो और कॉलम सेम होंगे तो सेम कॉलम रो स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा एम इंटू एन, बिल्कुल ईजी है, ठीक है। अब हम आपको बता रहे हैं, देखिए यहाँ पे अगर स्क्वायर मैट्रिक्स के बदले में अगर एग्ज़ाम में और कुछ भी आए तो आपको आना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करेंगे एग्ज़ाम में, जब प्रिपेयर करेंगे आप इस मैट्रिक्स को, चैप्टर को एग्ज़ाम के लिए, तो डेफिनेशंस को मैं ये नहीं बता रहा कि रट्टा मार के जाइए, नहीं। अगर आप देख लेंगे, अगर मतलब पूरा चैप्टर का सोल्यूशन मैं जब दे दूंगा उसके बाद जब आप मतलब प्रैक्टिस करेंगे उसके दौरान आप देखते रहिएगा बार बार कि इसका ये इसका कंडीशंस क्या होता है, तो वो आपको ऑलरेडी याद हो जाएगा, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, ठीक है। टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है, बस देख लीजिएगा तो आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, व्हिच वन ऑफ दीज वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल, ठीक है। तो ये है और ये है, बोल रहा है कि इन दोनों में एक्स और वाई का कौन सा वैल्यू यहाँ में से पुट करने के बाद दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। नाइन नंबर क्वेश्चन, तो एग्ज़ाम में कोई भी दे सकता है, दूसरा भी दे सकता है और ये वाला भी दे सकता है। तो एग्ज़ाम में आपका काम होगा, आप ए से डी तक जितने भी वैल्यूज़ दिए हुए हैं, हालांकि बी में यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो ए सी और डी ये तीनों का वैल्यू आप पुट करेंगे, मतलब सीरियली पुट करते जाएंगे। अगर ए का वैल्यू पुट करके इक्वल ये दोनों आप नहीं मिले, मतलब एक्स का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे आप इज़ इक्वल टू ये होगा, पुट करके अगर इक्वल नहीं हुए, वाई का वैल्यू भी पुट करके अगर इक्वल नहीं हुए तो बी तो नहीं है, सी का करेंगे, सी का नहीं हुआ तो डी का, ठीक है। अगर ए का हो गया तो हो गया, सी का हो गया तो हो गया, डी का हुआ तो हुआ, ठीक है। हालांकि हमें यहाँ पे पता है, मुझे पता है, लेकिन आप एग्ज़ाम में अगर ऐसा भी हुआ सेम हो दिखे आपको, और हो सकता है यहाँ पे फोर की जगह टू दे दिया, और अगर आप बोलेंगे कि ये तो हमारे किताब में था और सर ने बोला था कि बी नंबर ऑप्शन है आंसर और हम बी नंबर लिखते हैं, तो गलत है, आपको फिर भी चेक करना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पे पूरा तरीके से याद करके नहीं जाए, ठीक है। तो एग्ज़ाम में मैं यही कहूँगा, अगर आपको लगे कि सेम भी है तो फिर भी आप एक बार देखिएगा कि वैल्यू पुट करके, ठीक है। तो ये आप पे आंसर बी है, लेकिन आपका मतलब ड्यूटी है एग्ज़ाम में अगर ऐसा भी आए तो फिर भी आप चेक करिएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर टेन की तरफ। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3×3 विद इन ईच एंट्री 0 और 1 इज़ ये, ठीक है। तो आपको ये बात बता दें, ठीक है, 3×3, ठीक है, मैट्रिक्स मतलब कुछ आपको 3×3 मैट्रिक्स तो पता ही है, ठीक है। तो कितने पॉसिबल मैट्रिसेस हैं, तो हम आपको बता दें, यहाँ पे 0 और 1 एंट्री है तो हमेशा क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। अगर 0 और 1 एंट्री दिखाता है, मतलब 0 और 1 मतलब क्या, मतलब कोई भी नंबर पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, कुछ भी नंबर हो सकता है, होल नंबर होगा, प्राइमरी मतलब सभी नंबर होंगे, तो वहाँ पे अल्टीमेटली सबसे ज़्यादा वाला ही होगा ना, आपको कॉमनली पता है। लेकिन अगर 0 और 1 के बदले में यहाँ पे 2 और 1 देता तब आप कैलकुलेट कर सकते थे, ठीक है। तो हालांकि इस तरह का क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट ही नहीं है, फिर भी ऐसा आए तो आप ये करेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 भी हुआ ख़त्म, अब हमारा 3.1 ख़त्म हो गया। तो फ्रेंड्स प्लीज़, अगर कोई भी क्वेश्चन और डाउट हो तो आप हमें पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपका जवाब दूंगा, क्योंकि मेरा टाइम मैं देना चाहता हूँ आप लोगों की हेल्प करने में, आप लोगों को समझाने में, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन होगा ज़रूर पूछिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं जल्द ही एक्सरसाइज 3.2 की सॉल्यूशंस वीडियो के साथ आपके पास लौट रहा हूँ, ठीक है। तो सपोर्ट करते रहिए और हम जल्द लौटते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।